बड़ी खबर के प्रायोजक हैं श्री राधा कृष्ण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रानी सागर सारंगा, स्पिरिट ऑफ केयर। नमस्कार, एशियन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर महासमुंद जिले से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, महासमुंद के सिंघौड़ा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लगातार अवैध मादक पदार्थों पर महासमुंद पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सिंघौड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपए के गांजे की जब्ती बनाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिंघौड़ा पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपए के गांजे को जब्त किया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए महासमुंद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन पर किशोर कर। किशोर, एक बड़ी कार्रवाई महासमुंद पुलिस की निकल कर सामने आ रही है, क्या है कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि महासमुंद जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अभी दीपावली के मद्देनजर लगातार जी पुलिस थाना क्षेत्रों और चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी बाहरी प्रांतों से जो भी अवैधानिक कार्य होते हैं या मादक पदार्थ और जो अवैधानिक विस्फोटक पदार्थ हैं उनका परिवहन होता है, उस पर निगरानी रखी जाए। इसी के मद्देनजर उड़ीसा बॉर्डर के पास स्थित छत्तीसगढ़ के सिंघौड़ा थाना क्षेत्र में वाहनों की जांच की जा रही थी नेशनल हाईवे पर। उसी दौरान उड़ीसा से एक ट्रक का आगमन होता है वहां पर, और उस ट्रक की जब जांच की जाती है तो उसमें नारियल के बोरों के बीच भारी मात्रा में गांजा छिपा करके मध्य प्रदेश के अमरकंटक तक उसका परिवहन किया जा रहा था। इस पर बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है और गांजे की अनुमानित लागत कितनी बताई जा रही है? किशोर जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो गांजा है उड़ीसा से मध्य प्रदेश तक जा रहा था और इसमें लगभग 10 क्विंटल गांजा ट्रक में भरा हुआ था जी, जो विभिन्न पैकेट में बंधे हुए थे, और इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपया आंकी गई है जी, 2 करोड़ 1 लाख रुपया आंकी गई है। और ये लंबे समय से इस तरह का कारोबार जो है इस इलाके से होकर के हो रहा था जिसकी निगरानी पुलिस द्वारा की जा रही थी और पुलिस को लगातार इसकी सूचना मिल रही थी और मुस्तैदी के साथ ये सिंघौड़ा पुलिस द्वारा वाहनों की जांच किया जाकर के ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हाँ, किशोर एक जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरह से महासमुंद पुलिस मादक पदार्थों पर गांजा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, क्या लगता है आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? जी, हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से बात की है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि महासमुंद जिला से होकर के देश के अलग अलग राज्यों में उड़ीसा से गांजा और अन्य मादक पदार्थों का कारोबार चलता है, जिसके लिए महासमुंद जिला पुलिस जो है लगातार मुस्तैदी से इस पर रोकथाम लगाने के लिए यहां पर तैनात है और लगातार कार्रवाई भी कर रही है। आगे भी इस तरह के कार्रवाई लगातार किए जाते रहेंगे। और मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि महासमुंद जिला पुलिस द्वारा इस महासमुंद जिले को जो है अवैध पदार्थों के लिए रेड कॉरिडोर माना जाता है और अक्सर जो अन्य प्रांत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक जो गांजा की आपूर्ति उड़ीसा से होती है उस पर लगातार ये कार्रवाई भी की जा रही है। पिछले यदि हम कुछ दिनों की बात करें तो लगातार अभी तक बड़ी बड़ी कार्रवाइयां महासमुंद जिला पुलिस के द्वारा की गई है और आगे भी इस तरह की लगातार कार्रवाई जारी रहेगी, ये पुलिस अधीक्षक महोदय का कहना। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद किशोर। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है आपको बता दें, महासमुंद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, सिंघौड़ा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, लगभग 2 करोड़ के गांजे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों युवक ओडिशा से मध्य प्रदेश गांजा को खपाने की तैयारी में थे, जिसे सूचना मिलते ही सिंघौड़ा पुलिस ने घेराबंदी करते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और एक ट्रक से लगभग 2 करोड़ रुपए के गांजे को जब्त किया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एशियन 24। नमस्कार। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं श्री राधा कृष्ण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रानी सागर सारंगा, स्पिरिट ऑफ केयर।